छत्तीसगढ़ सेवा समिति भिलाई की तत्वावधान में मुस्लिम समाज का प्रदेश स्तरीय परिचय सम्मेलन रविवार को सुप्रणय भवन शांतिनगर में संपन्न हुआ। इस परिचय सम्मेलन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे युवक युवतियों ने अपना अपना परिचय दिया। इस परिचय सम्मेलन की जानकारी आयोजकों ने इस प्रकार से दी। छत्तीसगढ़ सेवा समिति की जानिब से मुस्लिम रिश्तों के लिए एक मुलाकात कार्यक्रम भिलाई शांतिनगर में रखा गया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सेवा समिति अपने मकसद खास के तहत मुस्लिम कौम के अंदर निकाह योग्य युवक युवतियों का परिचय कराकर पारिवारिक माहौल में एकजुटता से उनका घर बसाना चाहता है। समिति के इस परिचय सम्मेलन में राज्य के विभिन्न जिलों से लोग पहुंचे, साथ ही रजिस्ट्रेशन कराकर एक दूसरे के परिवार से परिचय प्राप्त किया। समिति के लोगों ने उद्देश्य जहां बताया तो वहीं यहां शामिल होने दीगर राज्यों से पहुंचे लोगों ने भी इस आयोजन की सराहना दिल से करी। ये जो है हमारे यहाँ पहले होता नहीं था इस टाइप से, तो दिमाग में आया कि कैसे बेहतर रिश्ते को करीब किया जाए कि आसानी से रिश्ते जुड़े। तो व्हाट्सएप के ग्रुप में हमने चलाया 2-3 महीने से, तो अभी ये पहला सम्मेलन है। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग छत्तीसगढ़ से आएँ और परिचय एक स्थान पे हो जाए, ताकि काफ़ी लोग इसको देख लें और रिश्ते में आसानी हो। लोग कवर्धा से आए हैं, रायपुर से, बसना से, बालोस से और धमतरी से, काफ़ी दूर से लोग आए हैं। करीब यहाँ 250-300 की रेंज में लोग पहुँचे। नागपुर से भी कुछ लोग आए हैं, गोंदिया से भी आए हैं लोग। अभी तो ये आइडिया नहीं है, लेकिन करीब 100 के पार हो रहा है जी। हमारा ननिहाल है यहाँ पे। 40 साल पहले हम इस धरती पे आए हुए थे, तो आज और 40 साल के बाद जो है ये भिलाई बहुत बदल गया है। और हमको बड़ी खुशी ये हुई कि हमारे अरशद साहब, हमारे भाई लगते हैं, इन्होंने भिलाई सेवा समिति के प्रोग्राम दिखाए हैं, तो हम इतनी तारीफ कर रहे हैं कि जो है इन्होंने मुसलमानों के लिए जो है बहुत कुछ जो है ये कमेटी जो है धीरे धीरे जगा रही है। और उसके बाद जो है गरीब और पढ़े लिखे जो भी जो है लोगों के लिए जो है ये प्रोग्राम हुआ है, हम तहे दिल से उनका शुक्रिया सबका अदा करते हैं। और ख़ासकर भिलाई में जितने भी चाहे किसी भी जो है बिरादरी के हो, हर लोग मिल के इतना अच्छा काम करते हैं कि हम तारीफ लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। और जो है यहाँ पे इतना सुकून है, इतना अच्छा लगता है यहाँ पे कि इतना सुकून तो पूरे देश के अंदर नहीं है। आने वाले समय में इसको और बड़ा किया जाएगा और दूर तक फैलाया जाएगा। इसके बाद जो सम्मेलन होंगे, हम इसको जो है रायपुर, भिलाई, दुर्ग, कवर्धा, हर जगह जैसा माहौल होगा उसके हिसाब से इस प्रोग्राम को आगे किया जाएगा। बहुत अच्छा है। आप थोड़ी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या चाहते हैं और आगे इस आगे मतलब इसी तरह चलते रहेगा तो फिर सब लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, मतलब आगे चल के जिंदगी के लिए अच्छी रहेगी। लंबे समय से मुस्लिम समाज में इस बात की ज़रूरत महसूस की जा रही थी। शादी ब्याह को लेकर के कई लोग परेशान रहते हैं, बच्चे पढ़ लिख लेते हैं लेकिन जो अच्छा रिश्ता नहीं मिल पाता, उसके लिए कई बार मेरिट ब्यूरो वालों को भी की भी मदद लेते हैं, अपने रिश्तेदारों की मदद लेते हैं, बायोडाटा बना के देते रहते हैं। समय बहुत लंबा लगता है, उसमें साल में 3-4 लोगों से ही मुलाकात कर पाते हैं। छत्तीसगढ़ सेवा समिति के माध्यम से छत्तीसगढ़ मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने एक नई पहल की है कि भिलाई में एक ऐसा मंच दिया जाए और छत्तीसगढ़ या आसपास तमाम लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप हमने पहले बनाया। व्हाट्सएप में लोगों को जोड़ करके सबसे डिटेल्स लिए, उनके बायोडाटाज लिए, उसमें अच्छा रिस्पांस मिला। पिछले 20-25 दिनों से सिलसिला चल रहा है या तकरीबन 1 महीना हो रहा है। उसका असर यह हुआ कि आज कवर्धा, जगदलपुर और राजनांदगांव के अलावा बसना से कई, मतलब 8-10 दिनों से पेरेंट्स आए हैं, कुछ बच्चे भी आए हैं। और पहली बार ये एक कार्यक्रम हो रहा है मुस्लिम समाज का, जिसमें एक परिचय सम्मेलन कहा जाए इसको। ये सामूहिक विवाह तो होता है, मुस्लिम समाज करता है, लेकिन दूसरे समाजों का हम देखते आ रहे हैं कि परिचय सम्मेलन सभी समाजों में होता है, तो मुस्लिम समाज में कभी परिचय सम्मेलन नहीं हुआ हमारी जानकारी में। तो हमने कोशिश की एक नई शुरुआत करने के लिए। हम एक सिर्फ प्लेटफॉर्म देते हैं जिसके हम कोई फीस नहीं लेते, और उसमें एक मंच में यहाँ लोग बैठते हैं और अपने सबका परिचय कराया जाता है, बच्चों का, लड़कियों। बिल्कुल ये तो देखने को मिल रहा है, हमारी उम्मीद थी कि हमको 50 लोग मिल जाएंगे तो बहुत है, लेकिन आज अभी स्थिति 80 के ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 83 था करीब अब से 1 घंटा पहले, तो 100 के आसपास हो रहे हैं। और सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ये समाज की जागरूकता का सबसे बड़ा सबूत है। लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं और बहुत खुशी की बात है कि
बहरहाल छत्तीसगढ़ सेवा समिति द्वारा किया जा रहा ये प्रयास बेहद तारीफ़े काबिल है। निश्चित ही समाज के लिए ये अच्छी पहल साबित होगी और संस्था आने वाले दिनों में वृहद स्तर पर ऐसे आयोजन को कराएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।